गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था चैप्टर 16, दैट इज एयर अराउंड अस। उसी चैप्टर को हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कंपोजिशन ऑफ एयर के बारे में, एटमॉस्फेयर एंड व्हाट आर द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हाउ एयर सपोर्ट्स आर लाइफ। ओके, सो फर्स्ट दिया हुआ है ऑक्सीजन। एयर में सारी गैसेज आती हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CO2, वाटर वेपर। ओके, सो फर्स्ट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितनी परसेंट है? 21%। सो ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथिंग करती हैं ऑक्सीजन को। फिर ऑक्सीजन क्या करती है? जो भी हम खाना खाते हैं उससे एनर्जी बनाती है। सो ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर देम टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। अब हमें क्या एनर्जी की हर टाइम जरूरत होती है, क्योंकि जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनकी बॉडी हर टाइम कोई ना कोई एक्टिविटी करती रहती है, प्रोसेस होती रहती है, या तो वो सोते टाइम हो गया, या फिर उठते टाइम, या फिर कोई काम करते टाइम। ठीक है, आपको पता है ना, अगर हमारी बॉडी स्लीप करती है तो भी ब्रेन वर्क करता रहता है। तो हर एक एक्टिविटी के लिए क्या है, हमें एनर्जी की जरूरत होती है। सो द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन एंड गेटिंग एनर्जी फ्रॉम फूड एंड ब्रीथिंग आउट इज कॉल्ड रेस्पायरेशन। सांस अंदर लेना, एनर्जी बनना फूड से, और फिर सांस को बाहर छोड़ना, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रेस्पायरेशन। अब सारी एक्टिविटी पूरी बॉडी करती रहती है हर टाइम, तो ये प्रोसेस क्या है? कंटिन्यू चलती रहती है रेस्पायरेशन की। ओके, सो जो भी हम एयर को ब्रीथ इन करते हैं उसमें से हमारी बॉडी क्या एब्जॉर्ब करती है? ऑक्सीजन। वो किसकी हेल्प से एब्जॉर्ब करती है? लंग्स की वजह से। नोज के थ्रू एयर जाती है लंग्स में, लंग्स से फिर क्या होता है, पूरी वहां से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होती है और उस ऑक्सीजन को हमारी बॉडी यूज करती है। ओके, सो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो ऑक्सीजन को यूज करते हैं मेनली एनर्जी के लिए, जो भी एनर्जी हमारी बॉडी यूज करती है। अब सॉइल के अंदर भी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। अब सॉइल में क्या एयर प्रेजेंट होती है? सो यस, सॉइल के अंदर भी एयर प्रेजेंट होती है। ये हम कैसे पता कर सकते हैं? एक एक्टिविटी से। जैसे किसी भी ग्लास में मिट्टी ले ली, सूखी मिट्टी, सॉइल ले ली, उसमें हम फिर वाटर पोर करेंगे तो हम देखेंगे छोटे छोटे बबल्स बाहर की तरफ आते हैं। तो वो बबल्स क्या शो करते हैं? कि उसमें सॉइल के अंदर एयर है, क्योंकि वाटर हम डालेंगे, जितना भी स्पेस एयर ने पहले ऑक्यूपाई कर रखा था फिर वो वाटर ऑक्यूपाई कर लेगा। फिर जो भी बबल्स निकलेंगे वो क्या शो करेंगे? कि एयर डिजॉल्व थी सॉइल, सॉरी एयर प्रेजेंट थी सॉइल के अंदर। ओके, पहले बताया था ना मैंने, बबल्स क्या शो करते हैं? कि एयर प्रेजेंट है। ओके, सो इस एक्टिविटी से हमें पता चलता है कि एयर प्रेजेंट होती है सॉइल के अंदर। सो जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं सॉइल के अंदर वो भी एयर के थ्रू सांस लेते हैं। आपने देखा होगा ना, जैसे अर्थवर्म होते हैं, जब भी ज्यादा बारिश आती है तो उनके जो बिल वगैरह होते हैं उसमें क्या है, पानी चला जाता है। ज्यादा टाइम पानी होने की वजह से तो वो सारे अर्थवर्म सरफेस पे दिखने लगते हैं हमें। ठीक है, जहाँ पे भी अर्थवर्म प्रेजेंट होंगे सॉइल के अंदर, ज्यादा पानी होगा उनके अंदर, बिल के अंदर उनके, तो जितने भी अर्थवर्म है वो सीधा सरफेस पे आ जाते हैं। तो इससे भी क्या पता चलता है कि जितने भी अर्थवर्म या फिर जो अंदर रहते हैं सॉइल के अंदर वो एयर के थ्रू सांस लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक टर्म यूज हुई है, वाटर लॉक्ड सॉइल। इस कंडीशन को क्या कहते हैं? जब भी वाटर ज्यादा टाइम के लिए सॉइल के अंदर प्रेजेंट रहता है। ओके, सो इस कंडीशन को बोलते हैं वाटर लॉक्ड सॉइल। अब क्या वाटर बॉडीज होती हैं, जैसे लेक, सी, ओशियन, इनमें क्या होती हैं? फिश वगैरह रहती हैं। अब वो कैसे सांस लेती हैं? तो वाटर में क्या होती है? ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है। ये इस एक्टिविटी से पता चलता है। जैसे किसी भी वाटर को हमने ले लिया एक पैन के अंदर, उसमें हीट प्रोवाइड करेंगे हम, तो वाटर में भी हमें क्या दिखेगा धीरे धीरे की बबल्स आ रहे हैं। तो बबल्स क्या शो करते हैं? कि उसके अंदर जो ऑक्सीजन थी वो पहले से डिजॉल्व थी। ओके, तो जितने भी फिश वगैरह हो गई, फिश के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? लंग्स की जगह पे गिल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो वो क्या हेल्प करते हैं? ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। जब भी वाटर वो पीते हैं जैसे कि फिश वगैरह, तो वहां से क्या है, वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं अपने अंदर। यहाँ पे एक कंडीशन होती है कि जब भी हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी ऑफ एयर रिड्यूस हो जाती है। ओके, सो जैसे जैसे हम उसको वाटर को हीट करते रहेंगे ना, तो उसमें एयर डिजॉल्व होना कम हो जाती है। ओके, नाउ प्लांट्स।
अब प्लांट्स कहाँ से सांस लेते हैं? जैसे कि हमारे अंदर क्या है, नोज प्रेजेंट होती है, गिल्स प्रेजेंट होती है फिशेज के अंदर, तो प्लांट्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या है? एक स्मॉल ओपनिंग होती है, पोर्स प्रेजेंट होते हैं लीव्स के, लीव्स में प्रेजेंट होते हैं। अब ये स्टोमेटा किसी लीव्स के तो ऊपर प्रेजेंट होते हैं, किसी लीव्स के नीचे प्रेजेंट होते हैं। ओके, मेनली क्या है, ये बीनीथ द लीव प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो हेयर जैसे कि एग्जाम्पल है वाटर लिली। अब वाटर लिली क्या है, ये फ्लोट करता है वाटर के ऊपर, तो ये इसके जो स्टोमेटा पोर्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? लीव्स के नीचे प्रेजेंट होते हैं। अब ऐसे भी प्लांट्स हैं जो बिल्कुल वाटर के अंदर ही रहते हैं, तो जैसे कि टैप ग्रास दिया हुआ है, यहाँ पे क्या है, स्टोमेटा प्रेजेंट ही नहीं होते। ओके, तो ये कहाँ से सांस लेते हैं? ये बॉडी सरफेस के थ्रू ब्रीथ करते हैं ऑक्सीजन को। ओके, नाउ नेक्स्ट इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितने परसेंट में होती है? 78%। नाइट्रोजन किसको जरूरत पड़ती है? नाइट्रोजन की प्लांट्स को। नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स फॉर देयर ग्रोथ। उनकी ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन जरूरी होता है, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। ओके, बट जो प्लांट्स होते हैं नाइट्रोजन को डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं करते एयर में से, ये किसकी फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं? नाइट्रेट की फॉर्म में। नाइट्रेट कहाँ से आता है? नाइट्रिक एसिड से बनता है। नाइट्रिक एसिड से नाइट्रेट, और फिर ये नाइट्रेट एब्जॉर्ब होता है प्लांट से। अब नाइट्रिक एसिड कहाँ से आता है? नाइट्रिक एसिड आता है लाइटनिंग एंड रेनफॉल की वजह से, जो भी बिजली वगैरह कड़कती है ना, उससे ज़्यादा अमाउंट में नाइट्रिक एसिड बनता है। ओके, सो जितने भी सॉइल के अंदर ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, फिर वो नाइट्रिक एसिड को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं, देन दिस नाइट्रेट इज एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, इन विच फॉर्म प्लांट्स एब्जॉर्ब नाइट्रोजन? सो किसकी फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं? नाइट्रेट की फॉर्म में। ओके, और किस लिए यूज होता है नाइट्रेट? टू मैन्युफैक्चर फर्टिलाइजर्स। ओके, फर्टिलाइजर क्या करते हैं? इसेंशियल नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को। जिसके घर भी खाद वगैरह आती होगी ना, उसके पैकेट के ऊपर देखना, उस पर नाइट्रोजन फर्टिलाइजर लिखा होता है। ओके, नेक्स्ट है CO2। CO2 कितने अमाउंट में प्रेजेंट होती है? 0.03%। ये आपको पता ही है, प्लांट्स यूज करते हैं। प्लांट्स कैसे यूज करते हैं? प्लांट्स व्हेन प्लांट्स मेक देयर फूड विद वाटर, दे यूज CO2 एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ओके, दे मेक फूड। सो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? पूरी फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ओके, सो CO2 एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है प्लांट्स के लिए, खाना बनाने के लिए। अब वही खाना क्या है, पूरे जितने भी लोग हैं उस खाते हैं उस खाने को। ओके, सो जितना भी इंटायर लिविंग वर्ल्ड है वो किस पे डिपेंड होता है? प्लांट्स के ऊपर। ओके, प्लांट्स में खाना कहाँ से बनता है? CO2 की वजह से।